मद महेश्वर धाम। मद महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो पंच केदार में से द्वितीय केदार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भगवान शिव जी को समर्पित है तथा भगवान शिव के मध्य या नाभि भाग की पूजा यहां पर होती है। यात्रा रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से शुरू होती है। ऊखीमठ से रासी गांव तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसका मैंने एक सेपरेट व्लॉग डाला है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। रासी गांव से मध्य महेश्वर मंदिर की ट्रैकिंग लगभग 16 किलोमीटर है। ट्रैक के मध्य कुछ छोटे छोटे पॉइंट जैसे गोंडार, बंतोली, नानू, खडरा आदि पॉइंट मिलते हैं। साथ ही बीच बीच में खाने पीने की सुविधा मिलती है। तो चलिए इस खूबसूरत से सफर पे हमारा साथ रहिएगा। रूम का एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रूम का यहाँ पर जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि यहाँ पर नंबर लगे हैं। पहले किसी सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड जय श्री केदार। तो अभी जस्ट टाइम हो रहा है 5:40 और अब हम चलते हैं यहाँ से ट्रैकिंग पे। तो चलिए अब आपको मध्यमेश्वर की ट्रैकिंग दिखाते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करी है और आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लैंडमार्क कि आपको किस तरफ जाना है। तो चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सामने का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर सारी बाइकें और गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं, देन आपको ट्रैक करना है। तो यहाँ से आपको ट्रैकिंग करनी है और पहले आपको ऊपर चढ़ना है, देन आपको गोंडार विलेज के लिए निकलना है। और स्टार्टिंग की 3-4 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर आपको ऐसे ही करके अब नीचे को उतरना है। उसके बाद फिर खड़ी चढ़ाई लगती है। एंड पहाड़ों से सूरज की पहली किरणें आ चुकी हैं और खुद दिखाते हैं एक बारी कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और एक और चीज़, जब भी आप ट्रैक करने आओ तो अपने साथ कुछ स्टिक वगैरह ज़रूर रखें जो कि आपको चलने में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड कंटिन्यू आपको ऐसे ही ढलान कुछ मिलेगा स्टार्टिंग में। अनुज भाई कैसा लग रहा है? ये तो बढ़िया लग रहा है क्योंकि अभी ढलान है। एंड गाइस यहाँ पर जो ढलान है एक्सट्रीम वाली ढलान है, तो स्टिक जरूर लाएं अपने साथ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और लाइट वेटेड शूज ले आना और सामान भी वही कैरी करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। एक्सेसिव सामान ना लाए एक्स्ट्रा। एंड गाइस आपको ये ट्रेल दिख रही होगी, तो हम इधर से आए हैं तो हो सकता है कोई और रूट भी निकल रहा हो, क्योंकि हमने जिनसे पूछा उन्होंने हमें जहाँ से हम आए हैं स्टार्टिंग में उस रास्ते आए थे, बट मुझे लग रहा है ये वाला जो रूट है कहीं गाँव से ये भी आ रहा होगा, तो अगर चाहो तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। ये वाला जो ट्रेल है वो ज़्यादा सही है, बाकी मिलेगी तो ये बीच में यहीं कहीं जो भी है, कहीं से भी आओगे तो बीच में मिलना सबने एक ही जगह है। बिना बैग के कितना मज़ा आ रहा है यार अनुज भाई, बाकी करो यार। और कुछ ऐसी ट्रेल आपको मिलेगी और चारों तरफ आपको ऐसा डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। और अभी जस्ट नीचे एक वाटरफॉल हमें दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा पानी वानी पी के आगे चल देंगे। और इस सामने वाटरफॉल है। और यहाँ से लिखा है 12.5 किलोमीटर तो भद्रेश्वर है और गोंडार विलेज 2 किलोमीटर के आसपास। और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, बेहतरीन।
तो ये है प्रकृति की खूबसूरती। और प्रकृति को अगर आपको जानना है तो थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और सामने देखो नीचे क्या मस्त व्यू आ रहा है, देखो नदी वाला। अब हल्की हल्की चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब ऐसा ही कुछ रास्ता रहने वाला है। यहाँ पे फाइनली पानी मिल चुका है, तो यहाँ पे अपना बॉटल वाटल भरते हैं और फिर आगे चलते हैं। एंड ऑलमोस्ट हम गोंडार विलेज पहुंच गए हैं, 250 मीटर आ गए, और 10-11 किलोमीटर अब यहाँ से मधमेश्वर होगा। 5-5.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमारी कवर हो चुकी है। सो अभी हम हैं गोंडार विलेज में, और यहाँ पे चाय नाश्ता कर लेते हैं, देन यहाँ से आगे चलते हैं। गाइज हमने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, और अब चलते हैं फिर आगे की तरफ। यदि आप मेरे से पूछोगे कि यात्रा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से मई से अक्टूबर बेस्ट रहेगा। मॉनसून में यात्रा करना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि इस समय पथरीले मार्ग फिसलन भरे हो सकते हैं। और जब गोंडर गाँव आओगे आप, फिर आपको ऐसा रास्ता मिलेगा और आगे चल के फिर से चढ़ाई। तो अभी तक जो रास्ता मिल रहा है वो ऐसा ही है, ढलान ढलान ढलान, हल्की फुल्की चढ़ाई आ रही है। और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आप ये जो दो नदियाँ देख रहे हैं, इसमें से एक है मधुगंगा और दूसरी है मोरखंडा नदी, जो कि यहाँ पर मिलती हैं, और इस जगह का नाम है बंतोली। यहाँ पर मिलके ये आगे चल के मधुगंगा के नाम से जानी जाती है। अगर आप मधमहेश्वर आ रहे हो, और यदि आप रांची विलेज टाइम से पहुंच गए 12-1-2 बजे जो भी है, और अगर उसी दिन आप ट्रैक करना चाहते हो और बीच में कहीं स्टे करना चाहते हो, तो गोंडार विलेज आता है। उसके गोंडार विलेज में आपको रुकने के काफ़ी साधन मिल जाएंगे, और उसके बाद भी बीच बीच रास्ते में आपको दुकानें और होम स्टे मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो उसी दिन भी ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है, चढ़ाई देखकर घबराओ मत, और यहाँ पे लिखा है ओम नमः शिवाय। तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लो और चलते जाओ। एंड गाइज, लास्ट के जो 6-7 किलोमीटर है
उसमें आपको काफ़ी अच्छी चढ़ाई देखने को मिलेगी। हर हर महादेव। सो अभी गाइज हमें हो चुके हैं यहाँ पे 11:30, तो रुकते रुकाते और वीडियोस बनाते बनाते लगभग हमें 5-5.5 घंटे हो चुके हैं, और अभी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास और ट्रैकिंग है, तो स्पीड हमने सही रखी है, तो अब 3 घंटा और लगेगा। बाकी देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं और क्या वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। एंड गाइज आप देख रहे होंगे ये पहाड़, पूरा ये पहाड़ चढ़ना है और इसके पीछे जाना है। बीच बीच में तो भाई खतरनाक वाली चढ़ाई आ रही है, तो हल्के में मत लेना इस ट्रैक को, अच्छा खासा ट्रैक है। और बड़ी अच्छी बात है कि रूट पे आपको जो छोटी छोटी शॉप्स हैं वो इजीली मिल जा रही हैं, जहाँ पर आप अपना चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। अनुज भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? अभी तक का सोचा था इजी ट्रैक होगा बट बहुत टफ है, और लास्ट के जो 5-6 किलोमीटर है वो तो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है भाई। जो टाइम हम सोच के आए थे कि इतने बजे तक हम पहुंच जाएंगे, तो उसका काफ़ी उल्टा हो गया। कम से कम 3 से 4 तो नहीं बट हाँ कम से कम हमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं, और चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान बाबा भोलेनाथ से मिलने का, एंड इट्स वर्थ इट। एंड फाइनली गाइज सामने आपको दिख रहे होंगे ये कुछ होम स्टे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ नज़ारा। फाइनली गाइज ये है सुकून, और इतनी हाइकिंग के बाद जब आप सामने ऐसा नज़ारा देखते हो तो जो हमारी थकान होती है वो वैसे ही मिट जाती है। अभी तक लग रहा था बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई, बट लिटरली यार वहाँ देखो सामने बाइक, और ये भी देखे वो सामने देखो वहाँ बहुत सारी बकरियाँ चढ़ रही। सो गाइज अभी जस्ट फ्रेशन अप हो चुके हैं और रूम वगैरह मैंने चेक इन कर लिया है, और रूम का एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रूम का यहाँ पर जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि यहाँ पर नंबर लगे हैं, पहले किसी एक बंदे का जो रूम होंगे वो चढ़ेंगे देन दूसरे के, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा है कि खाने का भी आपको उसी के यहाँ करना पड़ेगा जिसके आप ठहरे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आपने यहाँ रूम ले लिया सोचोगे कि यार चलो मैगी खाने या चाय पीने उधर चले जाता हूँ, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। हर महादेव। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मध्य महेश्वर। कल रात ऐसा हुआ कि शाम को हम लोग रेस्ट करने लेटे और हम लोगों को नींद भी आ गई, मतलब हमने आरती भी नहीं देखी, तो आज मॉर्निंग की आरती हम लोग देखेंगे।
दिखेंगे जो कि 8 बजे के करीब होती है। और अभी हम ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से बूढ़ा मधमहेश्वर के लिए जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये देखो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे और हमें जाना है इधर टॉप में कहीं। एंड एकदम खड़ी चढ़ाई है, भले 1-2 किलोमीटर होगा बट अच्छी खासी चढ़ाई है यहाँ से। तो यहाँ मधमहेश्वर जी से बूढ़ा केदार जी यहाँ ऊपर कहीं है। रूम के अलावा यहाँ पे ऑप्शन है टेंट का भी है, डॉर्मेट्री सिस्टम है जो कि लगभग 250-300 रुपये पर बेड का सिस्टम होता है। और जो टेंट का ऑप्शन है उसमें 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन उसमें भी है, और उसका भी ऐसा ही है 300-400 रुपये 1 पर्सन का। दूसरी चीज़ यह कि ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो आप इजी ना समझे इस ट्रैक को। कई लोगों ने मुझे बोला कि इजी ट्रैक है बट मुझे यहाँ के पता चला कि कितना इजी है, क्योंकि भाई हमारे जिमर बॉय हैं तो भाई को भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ टफ ट्रैक है, और वाकई टफ ट्रैक है। तो आइए और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब आप ट्रैक करो तो उससे कुछ दिन पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो चलने की या थोड़ा सा एक्सरसाइज की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सनराइज भी हो चुका है, तो वैसे हमने सोचा था कि सनराइज़ से पहले पहले पहुंचेंगे बट सुबह इतनी ठंड थी हम उठ ही नहीं पाए। पर आप सोच सकते हैं अभी जून का महीना और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, तो अगर थोड़ा सा विंटर सीज़न होगा तो उसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने कैप वैप भी लगा रखी है, जैकेट वैकेट पहन रखी है, तो भी अच्छा खासा ठंडा है। सामने के पहाड़ी ऑलमोस्ट चढ़ाई हमने डन कर दी है, थोड़ा सा पास में ही बूढ़ा मधमेश्वर जी का मंदिर है। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं ऐसे कुछ नज़ारे। एंड फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाता हूँ अब मंदिर। भाई सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अपनी इस यात्रा से मैं इतना समझ चुका हूँ कि रास्ते भले ही कितने भी कठिन क्यों ना हो, जब हम उन पर चलते हैं तो खुद को बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि जब ऐसा मोमेंट लाइफ में आता है कि बस अब और नहीं, लेकिन खुद पर भरोसा करके कठिनाई पार करने के बाद अपने कौशल को समझना भी एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। और वैसे भी जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं, इन्हें स्वीकार करके हम अपनी मजबूतियों को पहचानते हैं और सीखते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। तो सुबह की आरती हमने देख ली है, बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन हो चुके हैं और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर हाइक्स और मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।